बात का बुरा मानना है कि भाई जो है ना ये कांग्रेस की जो शैली थी मुकुट पर आना ये इस तरह के जो है लालच देना वो उस शैली को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसको जो है ना मतलब ये कहा था कि जो ये कांग्रेस की शैली हमें नहीं अच्छी लगती। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जिस प्रकार से ग्राउंड मीडिया लगातार चुनावी सर्वे कर रही है और संभावित प्रत्याशियों से हम मुलाकात कर रहे हैं, तो आज फिर एक बार विधानसभा क्षेत्र गोहना में हमारी टीम पहुंची है और किसी भी पार्टी से चाहे कोई प्रत्याशी हो जो टिकट की दावेदारी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस समय आनंद सिंह दहिया विधानसभा क्षेत्र गोहना से, जिनकी एक प्रबल और मजबूत दावेदारी मानी जाती है इस समय। आनंद सिंह दहिया, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत आपका। भाई साहब जी, ग्राउंड मीडिया का जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप, जो है हमारी खबर लेने आ जाते हैं। जी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिल्कुल दैया साहब, ये तो हमारा एक नैतिक फर्ज है क्योंकि हम पूरे विधानसभा क्षेत्रों को हम कवर कर रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, जनता की राय में भी काफ़ी अच्छा नाम आपका आ रहा है। तो दैया साहब क्या कहना चाहेंगे, जब लगातार पहले ग्राउंड मीडिया पे आपने इंटरव्यू दिया था उस टाइम से लेकर उसके बाद तो जींद में अमित शाह की रैली हुई, रोहतक में नरेंद्र मोदी की रैली हुई और मुख्यमंत्री की बस यात्रा भी कार्यक्रम चले, अब आप विधानसभा क्षेत्र गोहाना के अंदर अपनी पार्टी की पोजीशन कहाँ मानते हैं, पहले नंबर पर मानते हैं क्या अब आप? बिल्कुल भारद्वाज जी, हमारी जो है पार्टी पहले नंबर पर ही है, पहले नंबर पर ही रहेगी जी। किसी भी पार्टी का हमारे जो है पार्टी से कोई जो है ना किसी तरह का जो है ना कंपटीशन है ही नहीं जी सर। हमारी पार्टी बिल्कुल जो है ना बहुत आगे है, क्योंकि इनके हमारी पार्टी ने काम ही ऐसे किए हैं जिनको लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले भी मोदी जी के जो है साथ में सब ने ये समर्थन किया था और आज भी मोदी जी के नाम से जो है और सरकार जो है मनोहर लाल जी के नाम से पूरी जो है हरियाणा में पूरी लहर है पार्टी की, किसी तरह भी जो है कोई कमी नहीं है। पीछे मोदी जी की जो है ये सभा हुई, बिल्कुल मोदी जी की जो सभा हुई उसमें जो है ना बहुत ही लोगों ने इतना ज़्यादा समर्थन किया है कि आप देख रहे होंगे जो है ना लोगों की जो भीड़ इतनी ज़्यादा थी जो है रैली खत्म होने के बाद भी आने वालों का तांता लगा हुआ था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने समर्थन किया, काफ़ी भीड़ थी, जाम की समस्या बन चुकी थी, पूरा रोहतक जाम हो चुका था, हमने भी देखा था आपके गुआना से लेकर के जो मकड़ोली जो टोल प्लाजा है वहाँ से लेकर के चारों तरफ जाम की समस्या बनी हुई थी। सर आपका भी काफ़ी बड़ा जनसैलाब, काफ़ी काफिला, हजारों की संख्या में आपके समर्थक भी वहाँ पहुँचे थे और बावजूद भी आपने गोहाना के अंदर काफ़ी दौरे किए हैं, गांव टू गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चौपाल में भी लोगों से आप मिल रहे हैं, गांव के सभी के दौरे किए आपने लगभग, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की समस्याएँ विधानसभा क्षेत्र गोहाना के अंदर सामने आ रही है, क्या देखा आपने गोहाना के अंदर भाई उन समस्याओं को, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है, आप विधानसभा में जाने का कार्य करते हैं, तो कौन कौन सी समस्याओं को दूर करेंगे गोहाना की? गोहाना की जो है जितनी भी कोई ऐसी मोटी समस्या जो है ऐसा नहीं है भाई जो है जो जिस पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जितनी भी जो है जैसे पढ़ाई की है, सेहत की है, सब और मतलब लोगों के आने जाने की है, बिल्कुल सड़कों की जो है तकरीबन समस्याएं खत्म है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं अगर समस्या है तो उसको भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर हमारे को जो है और सरकार अगर मौका देती है इस बार टिकट देती है तो हम जो है इस कमियों को, सारी कमियों को दूर करने की पूरा प्रयत्न करेंगे। कहाँ मानते हैं स्थान दैया साहब, आज यही मुद्दा बना हुआ है, चारों तरफ आचार संहिता भी लगने वाली है, आज लग जाए कल लग जाए और बीजेपी के अंदर पूरी खलबली मची है टिकट को लेकर के, टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं हर कोई, कार्यकर्ता नेता मंत्री संतरी हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, यही बातें चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही है, अपना स्थान कहाँ मानते हैं सर? देखिए हमारा स्थान तो पार्टी ने तय करना है, हम जो है कुछ भी मान रहे हैं, लेकिन जो हम तो अपने काम की बात करते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, पहले भी कार्य करते रहे हैं, आज भी कार्य करते हैं। अब जैसे पब्लिक में हमने जो है ना 3 दिन
डोर टू डोर जो है बिल्कुल ये मैनिफेस्टो जो आप ये ले रहे कार्यक्रम है ये आपने लोगों को दिखाया ये कार्यक्रम चले थे ये मैनिफेस्टो दिखाया ये कार्यक्रम बताए जी तो लोग जो है हमारे साथ साथ जो है बहुत ज्यादा चले उन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा समर्थन दिया इन कार्यों को की सराहना करी क्योंकि जब एक पार्टी जो है लिखित में सारी चीजें दे रही है और ये कह रही है कि हमने ये कार्य किए तो उसको चैलेंज नहीं है बिल्कुल तो ये चैलेंज है ही नहीं कहीं भाई जो हमारी पार्टी को काम नहीं कर रही है काम कर रही है लिख के दे रही है भाई हमने ये कार्य किए ग्रामीण को उत्थान के लिए शहर के उत्थान के लिए एग्रीकल्चर में जो है पूरा जो है नुकसान की भरपाई के लिए हर सेक्टर को जो हमारी सरकार ने चौकीदार से लेकर के जमींदार तक जो है किसान तक मजदूर तक सबको जो है अपना जो समर्थन में कुछ चाहे चौकीदार हो चाहे जमींदार हो चाहे तहसीलदार हो हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का कार्य किया हर वर्ग को बढ़ाने का कार्य किया यही भावना है आपकी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर यही भावना है। मुख्यमंत्री की बस यात्रा थी बस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का एक छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई थी वो थी हर्षवर्धन भारद्वाज की गर्दन काटने की बात सामने आई थी उसका भी क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव के अंदर? नहीं नहीं ये जो है विपक्ष जो है उस बात को जो है गलत तरीके से उछाल रहा है इसका कोई जो है मतलब नहीं है वो अपने सीएम साहब ने ये भावना नहीं थी उनकी भी जो है गर्दन काट दी जाए उनका भाव तो ये था कि जो है जब हम जो है दिखावे के नज़दीक नहीं है सोने चांदी के मुकुट से हमारा कोई मोह भंग नहीं कर सकता किसी वो एक राष्ट्रवादी नेता है राष्ट्र के हित की बात करते हैं तो उनको जो है ना उन्होंने इस बात का बुरा माना कि भाई जो है ना ये कांग्रेस की जो शैली थी मुकुट पर आना ये इस तरह के जो है लालच देना वो उस शैली को पसंद नहीं करते थे इसलिए उन्होंने उसको जो है ना मतलब ये कहा था कि भाई जो ये कांग्रेस की शैली हमें नहीं अच्छी लगती और इस तरह की जो है ना हम कोई पसंद नहीं करते उसमें जो है उनको उनके शब्द को उल्टा शब्द मान लिया। बहुत बढ़िया आनंद जी कैसी तैयारी चल रही है आपकी विधानसभा गोहाना के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं खुशी होती है आपको जब आप मतदाताओं से मिलते हैं उनके दुख सुख में उनके आप साथी होते हैं उनके बीच में बैठते हैं दुख सुख के जब वो आपको शेयर करते हैं कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए भारद्वाज जी हम जो है ना जब पब्लिक में जाते हैं ना साथ जाते हैं तो वो हमारे को जो कोई तकलीफ महसूस करते हैं कि भाई जो है ना हमारे कोई समस्या है पानी की समस्या है या जैसे सफाई की समस्या है या एजुकेशन की समस्या है तो उनके हमें जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है वो अपनी समस्याएं बताते हैं तो उसको हम ये मानते हैं कि भाई जो है अगर कुछ कमियां रह भी गई तो इस ट्रम में हम जो है ना पब्लिक के साथ जुड़कर ये सारी कमियां दूर करेंगे और हमें अच्छा भी लगता है और पब्लिक भी हमारे को अच्छा मानती है पब्लिक इस बात का कहीं बुरा नहीं मानती कि भाई काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनको ये पता है कि भाई सरकार इन कामों में लगी हुई है तो वो काम पूरे होने हैं थोड़ा टाइम और लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है आप विधायक बन जाते हैं सबसे पहले गोहाना के अंदर क्या कार्य करना चाहेंगे कि हमने ये कार्य करेंगे सबसे पहले गोहाना में? देखिए हम तो पब्लिक से जो है एक ये बात लेके चलेंगे अभी जो है ना पब्लिक के लिए हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे जो पब्लिक चाहेगी हम उसके लिए ही सारा काम करेंगे अपना टाइम पूरा पब्लिक के लिए देंगे जो भी अच्छे से अच्छा काम होगा वो हम जो है ना उसको प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल आनंद सिंह दैया जी ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से गोहाना वासियों को जो आपके मतदाता हैं कार्यकर्ता हैं क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कैसे जो है सीएम कभी आते नहीं इतने ईमानदार जो है सीएम हमें मिले हैं तो इनके साथ जितने जो है हम लग सकते हैं उतना सहयोग इनको दें और इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं आके जो है वर्ल्ड में जो अपना तहलका मचा दिया है और वर्ल्ड जो है उनकी पीछे घूमता है तो ऐसी सरकार के साथ हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगकर उनको सहयोग करके और हमने जो है ना सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए उनके कार्यों की सराहना करनी बिल्कुल चाहिए। तो ये हमारे साथ आनंद सिंह दैया विधानसभा क्षेत्र गोहाना से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है एक दो साथी भी इनके साथ बैठे हैं पूछते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है तो यह क्या कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ काम करेंगे? भाई साहब राम राम। क्या नाम भाई साहब? पप्पू हुड्डा। पप्पू हुड्डा जी
अच्छा ये बताइए कि यदि टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी आनंद सिंह दिया को, क्या आप कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करेंगे इनके साथ? दिया साहब की मदद करेंगे जी, और टिकट मिलने से पहले? हाँ पहले मदद करें। कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक बिल्कुल ठीक। आनंद सिंह दैया के साथ जुड़ करके बड़ी आदमी जोश में, अब मंदे, अब मंदे बोलो ना, मंदे पूरे जोश में बोल, मंदे ठीक है, बोल मंदे ठीक हो? हाँ अच्छी बात है जी। हाँ एक दो साथी और हमारे साथ। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम। अच्छा ये बताओ जी कैसा महसूस कर रहे हैं आनंद सिंह दैया के साथ जुड़ करके? बहुत खुशी है, हम तो यही कहें ऐसा होनहार नेता मिले और हमारे रोजगार जैसे किसान है मजदूर है और बेरोजगारों को उनका समस्या सुने उनके हल करेंगे, इनको मौका मिलेगा तो इन सबको साथ लेकर चलेंगे और भगवान से ही प्रार्थना करें इनको भगवान टिकट दे और ये पब्लिक की सेवा करें। बिल्कुल आपकी भावनाएं इनके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं हम मानते। भाई साहब क्या नाम आपका? सुमित। सुमित जी कैसा महसूस कर रहे हैं क्या आप आनंद सिंह दैया के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ये है क्या जी, हम आनंद सिंह दैया के साथ काम करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि एक उत्कृष्ट नेता हमारे सामने उभर कर आया है और उनके साथ काम करने का हमको मौका मिल रहा है, इससे खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो कुछ युवा साथी भी जुड़े थे इनके संगठन के साथ जुड़े थे, भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप आनंद सिंह जी, क्या नाम भाई साहब? राजकुमार जी। राजकुमार जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप आनंद सिंह जी ऐसा? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया हाँ जी। क्या क्या लगता है कि गोहाना का विकास कर पाएंगे आनंद सिंह जी या कोई यहाँ से टिकट मिलती है विजयी होते हैं? विकास विकास नहीं जी, जस्ट भाजपा टिकट दी पार्टी ने तो आगे ऐसा काम करांगे भाजपा पार्टी, आप इन कोई दूसरा इलेक्शन लड़ो। अच्छा दोबारा से? दोबारा से बगैर मांगे टिकट दे देगी दोबारा, गारंटी है जी इस बात की। तो ये आप सभी दर्शकों को मैंने दिखाया, एक एक, एक साथी और आ गए हमारे साथ, क्या शुभ नाम भाई साहब? राजेश दैया जी। कहाँ से हो? गुवाहाना से। वाह जी वाह। राजेश दैया, राजेश जी क्या कहना चाहेंगे आनंद सिंह दैया को लेकर के आप इनकी टीम के साथ जुड़े हैं? हम इनके साथ जुड़ के बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, जो इतने बड़े समाज सेवी थे जिन्होंने अपने जिंदगी पूरे समाज सेवी में लगाया और बीजेपी उनका अगर मौका देते हैं हम तन बंधन से उनके साथ रहेंगे और पार्टी को 1% भी अगर शिकायत आई तो हम अपना सर नीचा करेंगे। क्या कार्य करते हैं भाई साहब? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ जी। मैं बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ आनंद सिंह दैया जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं विधानसभा क्षेत्र गोहाना से। तो इसी प्रकार से ग्राउंड मीडिया जो संभावित प्रत्याशियों से जो मुलाकात करी है और पूरे क्षेत्र के अंदर जिस विधानसभा में जा रही है उस विधानसभा चाहे वो वहाँ से लोकसभा का सांसद हो चाहे वहाँ का विधायक हो, हम उनसे मुलाकात करें, जनता की राय आप सभी के सामने लेकर क्या रहे कि जनता क्या चाहती है, जनता की जो राय है वो किसको टिकट दिलवाना चाहती है और किस पार्टी को चाहती है और क्यों चाहती है, क्या कारण है, तमाम जानकारी के लिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ बने रहिए। ग्राउंड मीडिया इसी प्रकार से फिर किसी न किसी खास कार्यक्रम और खास शख्सियत से रूबरू करवाएगा। तब तक गोहाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।